आजकल हमारे देश में विभिन्न तकनीकी प्रोफेशनल्स कैरियर ऑप्शन हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंजीनियरिंग, सामाजिक सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है आईटीआई टर्नर का। टर्नर टूल्स, मशीन कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटल कंपोनेंट को असेंबल और प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर आप भी टर्नर ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि टर्नर ट्रेड के कैरियर ऑप्शन के बारे में। तो इस जानकारी को पूरा देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं कमल शर्मा, आपका होस्ट, दोस्त और बड़ा भाई। आप देख रहे हैं शर्मिंशाला। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं टर्नर ट्रेड के बारे में कि आखिर टर्नर के क्या रोल्स होते हैं और इसमें कैरियर ऑप्शन क्या हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो टर्नर ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग तथा प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है, जिसमें टेक्नीशियन लेथ मशीन की मदद से मेटल या लकड़ी के टुकड़ों को उसकी शेप देने का काम करता है। देखा जाए तो इस काम की हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जरूरत है। जैसे दुनिया मशीनों पर डिपेंड हो रही है, मैकेनिकल और मशीनरी फील्ड की लगभग हर कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्किल टर्नर को हायर करती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स टर्नर ट्रेड से आईटीआई या डिप्लोमा पास आउट है, उनके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जॉब के बहुत अवसर हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो आप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, डीआरडीओ जैसे सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप पीएसयू कंपनी जैसे गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी आदि में टर्नर या एंट्री लेवल पर टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब की बात करें तो आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, मशीन कंपोनेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरिंग आदि क्षेत्र में टर्नर की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। इसमें आप कई जॉब प्रोफाइल पर नियुक्त हो सकते हैं, जैसे टर्नर लेथ मशीन ऑपरेटर, ड्रिलिंग ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, क्वालिटी टेक्नीशियन, हाइड्रोलिक होज क्रिम्पर आदि, जिसमें आपको एवरेज एनुअल सैलरी 2 लाख से लेकर 4 लाख तक मिल सकती है। अगर आप आईटीआई पूरा करने के बाद टर्नर की पोस्ट पर हायर होते हैं तो आपका काम कई प्रकार के टर्निंग ऑपरेशन का हो सकता है, जैसे प्लेन टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, पैरेलल टर्निंग, स्टेप टर्निंग, रीमिंग आदि। और इन्हीं टर्निंग ऑपरेशन की मदद से कई अलग अलग तरह के कटिंग टूल्स जैसे वी टूल, साइड कटिंग, पार्टिंग, थ्रेड कटिंग आदि के उत्पादन करने का भी टर्नर का काम होता है। साथ ही लेथ मशीन के अलग अलग चक्स पर विभिन्न प्रकार के शेप बनाने का काम आपका हो सकता है। फिटिंग ऑपरेशंस जैसे मार्किंग, हैक स्विंग, फिलिंग, ड्रिलिंग आदि जैसे काम भी आपकी जॉब का हिस्सा हो सकते हैं। इन सभी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए आपकी बेसिक मैथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप सटीक मेजरमेंट के साथ सही इंजीनियरिंग टूल बना पाए। इस फील्ड में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 16,000 से 20,000 तक हो सकती है, जिसके कुछ साल और एक्सपीरियंस के बाद आप टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, यहां तक कि अपने फील्ड में सुपरवाइजर और मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट होकर और अधिक सैलरी कमा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो आईटीआई के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा या बीटेक एमटेक करके इसी फील्ड में सीधा जूनियर इंजीनियर या सीनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पर हायर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टर्नर ट्रेड से आईटीआई करके खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे 1 या 2 मशीन के साथ खुद की वर्कशॉप खोलकर आप अपने लिए अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो ये थी टर्नर ट्रेड में कुछ कैरियर ऑप्शंस की जानकारी। ऐसे अन्य कई और कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगर आपके पास टर्नर से जुड़ी अच्छी स्किल्स है तो आप इससे जुड़ी जॉब्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप शर्मिन जॉब पोर्टल पर भी इससे जुड़ी वैकेंसीज के बारे में पता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या फिर टर्नर से जुड़ी कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर अपना सवाल पूछ सकते हैं।
अगर हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। देखते रहिए शर्मिन शाला। नमस्कार। शर्मिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं, आज ही शर्मिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।